पर सोमी, सुरभी, रोहित, दीपक, इनसे मैं तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। मैं दिल से चाहती थी कि श्रीशांत जीते। Hey guys, this is Jasleen Matharu and you're watching me on Pop Bollywood. Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Hi guys, मैं हूँ मोनिका, आप देख रहे हो पॉप बॉलीवुड और आपकी फरमाइश की वजह से एक बार फिर आज हमारे साथ आई है जसलीन जी। हाँ, ये सेकंड टाइम हम उनसे बात कर रहे हैं और चलिए हम जानते हैं कि क्या कुछ बदलाव आया बिग बॉस सीजन के बाद उनके लाइफ में और आजकल वो क्या कर रही है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और मिलते हैं ये हॉट एंड सेक्सी जसलीन से। वेलकम टू पॉप। हाय हाय मोनिका, थैंक यू। सो टेल मी, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं बिग बॉस के बाद? बहुत सारे चेंजेस आए हैं और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं एंड 2018 मेरे लिए बहुत ही कमाल का रहा है एंड 2019 को और भी तगड़ा और बहुत कमाल बनाना है। जैसे कि सब जानते हैं कि मेरी एल्बम के बाद, लव डे के बाद एंड मूवी के बाद, मेरी डर्टी बॉस के बाद, बिग बॉस जब मेरी लाइफ में हुआ तो you know, लोगों ने मुझे देखा, तीन महीने उन्होंने स्टडी किया कि कैसा बिहेवियर है, कैसी है, रियल है और जिस तरह की बातें उन्होंने नोटिस की मेरे बारे में। ये सब चीज़ें आप किसी गाने के थ्रू या किसी मूवी के थ्रू एक इंसान के बारे में नोटिस नहीं कर सकते। और आज जिस तरह का टाइम दौर चल रहा है, आई थिंक एक आर्टिस्ट को उनके जैसे व्यूअर्स हमारे हैं, जब एक आर्टिस्ट को इस तरह से जानते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसे रहते हैं, you know, कैसे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब I mean, मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर मैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट को बिग बॉस में, जिस तरह हम कंटेस्टेंट से अपने कंटेस्टेंट को हम इतने टाइम तक एक दूसरे देखते रहते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि ओके ये ऐसा ऐसा है। तो बहुत प्यार मिला है मुझे लोगों से एंड आई एम वेरी हैप्पी। और ऐसा ही प्यार अगर मिलता रहे मुझे तो 2019-2020 बहुत ही रॉकिंग होने वाला है। वेल इंशाल्लाह ये ज़रूर हो। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि बिग बॉस में दीपिका विनर हो चुकी है, इससे काफ़ी लोग खुश भी हैं और काफ़ी लोग नाखुश है। वेल श्री के फैंस चाहते थे श्री जीते, सबके फैंस अपने अपने ऑब्वियसली लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको लगा था कि दीपिका जीतेंगे? देखिए, मेरे घर में दो ही फेवरेट्स थे, श्रीशांत एंड दीपिका। जब मैं और मेघा बाहर निकल गए तो मैं तो नहीं चाहती थी कि श्रीशांत और दीपिका के अलावा कोई भी जीते, बिकॉज वो दोनों डिजर्व करते थे। मैं दिल से चाहती थी कि श्रीशांत जीते, ये अलग बात है, लेकिन दीपिका भी जीत गई है तो मुझे उतनी ही खुशी हुई है क्योंकि वो भी डिजर्विंग थी ही। बट बहुत लोग इस बात से नाराज हैं, बट उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कोई जीता है तो ऑब्वियसली वो डिजर्विंग है, इसी वजह से जीता है। और खुशी मनाइए इस चीज़ की। बिग बॉस सीजन काफ़ी अच्छा रहा इस बार और बहुत मज़ा आया। ओके, लेकिन हमने आपको नहीं देखा बिग बॉस सीजन फिनाले में, तो क्या क्या रीज़न था, आप क्यों हमें नहीं देखा? ये मुझे पता था कि ये मुझसे पूछा जाएगा और आपने मुझे इसलिए ही यहाँ पे बुलाया है, राइट? तो मैं बता दूं कि थर्ड परफेक्ट अचीवर्स अवार्ड हो रहा था, तो उसमें मुझे सम्मानित किया गया था, अवार्ड दिया गया था मुझे, तो मुझे वो कलेक्ट करने जा रहा था। मुझे यंग अचीवर्स अवार्ड मिला है इस साल का, तो वो मुझे लेने जाना था, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। एंड अनूप जी भी इवेंट पे थे, वो कहीं परफॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए वो भी नहीं जा पाए। अच्छा, तो जैसे अभी आपने अनूप जी की नाम लिए, तो मैं रिसेंटली हमने जब अनूप जी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि जसलीन निकलने के बाद सिर्फ एक बार मुझे फ़ोन की और बाकी सारे कंटेस्टेंट मुझे घर आए गए, मेरे साथ पार्टी भी हुई, लेकिन जसलीन अब मेरे साथ उतनी टच में नहीं है। हालांकि मैंने जसलीन को कहा कि कभी भी आप आ सकती हो, अगर आपको सीखना है अभी भी गाना सीख सकती हो, लेकिन अभी भी वो इतनी टच में नहीं है। क्या कहना चाहोगे आप इससे? अनूप जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि हमारी बात हुई है फ़ोन पर, लेकिन हम मिल नहीं पाए क्योंकि अनूप जी इतना बिजी रहते हैं और मैं आपको बता दूं, वो इतना काम करते हैं ना, इस एज में इतना ट्रैवल वो करते हैं कि कोई भी 17-18 साल का बच्चा भी थक जाएगा जितना वो काम करते हैं, लेकिन वो नहीं थकते काम करने से, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बिल्कुल, मैं जैसे वो फ्री होंगे, मैं तो फ्री हूँ उनके लिए कभी भी, जब भी वो बोले मैं तो हाजिर हो जाऊंगी, लेकिन जैसे अनूप जी जब आप फ्री होंगे प्लीज मुझे बताइए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ प्लीज। ओके, एंड इसके अलावा भी घर में एक कंटेस्टेंट थी सोमी, उन्होंने बाहर निकलने के बाद आपको काफी कुछ कहा और उन्होंने ये भी कहा कि अगर घर में ऐसा कोई सदस्य है जिसका मैं शक्ल नहीं देखना चाहती निकलने के बाद, तो वो कोई और नहीं बल्कि जसलीन है, क्योंकि उन्होंने बाहर मेरे रिलेशन के बारे में काफी कुछ कहा रोमिल के साथ, ये वो, तो वो खुद आपसे बहुत नाराज है क्योंकि वो कह रहे थे कि जो लड़की आके इतने बड़े स्क्रीन पे एक रिलेशनशिप को प्रैंक बोलती है वो कौन होती है मुझे बताने वाली। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट सोमी? देखिए, जो चीज मैंने सोमी के बारे में कही
वो मैंने ही नहीं कही, ऑफकोर्स घर में वो चीज़ें मैं नोटिस कर रही थी, लेकिन जो व्यूअर्स हैं, जो बिग बॉस देखते हैं, जो स्टडी करते हैं हर एक का बिहेवियर घर में, वो बुद्धू नहीं होते, उन्हें सब समझ में आता है कि कौन कैसे बिहेव कर रहा है और कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे ब्लश करते हैं, उन्हें पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। तो हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आ रहा है समझ में और आ रहा था, तो ये मैंने ही नहीं कहा है, ये पूरी दुनिया ने कहा है, तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा है और मेरे कहने का जो तरीका था मुझे नहीं लगता वो गलत था, बहुत सही इंटेंशन से कहा। और कोई बात नहीं, अगर उनको प्यार हो गया रोमिल से तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर किसी को प्यार हो जाता है तो उसमें सही गलत नहीं होता। शायद वो भूल गई थी कि रोमिल मैरिड है और उनका छोटा सा बेबी है, तो प्यार में अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो आप तो इसे काफी मैच्योर लेवल से ले रही हो, लेकिन इसके अलावा भी अगर सपोज मैं आपसे पूछूं कि आप किसी को नहीं मिलना चाहोगी तो वो आपके लिए कौन सा सदस्य होगा घर का? मेरे लिए बहुत सारे हैं वैसे सबसे पहले तो सोमी तो है ही उनका नाम लेना मैं ज़रूरी भी नहीं समझती, पर सोमी, सुरभि, रोहित, दीपक, इनसे मैं तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। ओके, 31st आपने काफ़ी धमाकेदार रही आपकी, काफ़ी पार्टी करते हुए नजर आई, तो क्या कुछ मेमोरी या क्या कुछ घर की ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसे डिस्कस हुआ होगा? देखिए 31st को जब हम मिले, हमने 2019 को इस तरह वेलकम किया है, मतलब इतनी ग्रैंड तरीके से, इतने मज़े किए हमने, श्रीशांत थे, शिवाशीष, मेघा, सब लोग थे और बहुत मस्ती की। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों तक ये बात भी पहुँच गई कि यू नो वो रिश्ता जो था, जैसे श्री को मैं भाई मानती हूँ, मुझे बहन कहते हैं, मुझे कहते हैं कि बहना बहना जिस तरह बुलाते हैं मुझे, पूरी दुनिया को पता है, तो वो जो रिश्ता हमने बनाया था वो घर के बाहर आने के बाद भी कायम है, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है और पूरी लाइफ के लिए रहेगा। और श्रीशांत मेरे हमेशा के लिए भाई हैं, मेरी यू नो लाइफ के लिए ब्रदर है मेरे, और इसी तरह से मतलब ये दोस्ती जो है और ये बॉन्ड जो है ये घर के बाहर भी, और 2019 को हमने बहुत रॉकिंग वे में वेलकम किया है। ओके, तो वेल अब आपके पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स आए हैं, अगर आप कुछ बता सकती हो, हम आपको बड़े पर्दे पर या फिर छोटे पर्दे पर आप जब कहो हम कब देख सकते हैं? सो आई एम वर्किंग ऑन सम सॉन्ग्स नाउ, जिसमें मैं अपना सिंगल प्लान कर रही हूँ, तो लेट्स सी अब किस तरह का गाना है, बहुत सारे गाने डिसाइड कर रहे हैं हम बैठ के, यू नो सिटिंग्स हो रही हैं हमारी, हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा म्यूज़िक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोल क्या होने चाहिए, पंजाबी होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, तो वो डिसाइड कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी एक अच्छा सा सिंगल आएगा सबके सामने। एंड जिस तरह मैंने घर के अंदर सबको एंटरटेन किया, वैसे ही अब मैं सबको वापस 2019 में भी एंटरटेन करना चाहती हूँ। ओके, तो सिंगल के अलावा हम आपको मूवी में कब देख सकते हैं, बिकॉज आपने एक तो ऑलरेडी की हुई है, एक में आपने गाना गाया, सो हम आपको वापस से कब मूवीज में देख सकते हैं? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो जैसे कि आप जानते हैं सही प्रोजेक्ट और यू नो सही मूवी भी करना और मिलना बहुत ही ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ में कि आपको क्या प्रोजेक्ट करना है। ऑफकोर्स बाहर आते ही बहुत सारे ऑफर्स आते हैं जो कि आ रहे हैं, बट क्या करना है, कैसे करना है, ये लाइन अप करनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, बट ये जल्दी हो जाएगा एंड जल्दी मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स एंड फैंस मुझे बहुत जल्दी देखेंगे स्क्रीन पे। दैट्स अ गुड न्यूज। वेल इसके अलावा मुझे ये भी आपसे जानना है कि निकलने के बाद घर में अभी आपको ऐसा क्या लग रहा है कि कौन सा कंटेस्टेंट था जिसने 3 महीने या 3.5 महीने घर में बहुत ही शांत और ऐसे था और अब निकलने के बाद वो कुछ अलग है? आप सबसे मिल चुके हो, आपको कोई तो एक ऐसा लगा होगा कि ये छुपा रुस्तम या नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई छुपा रुस्तम है, मुझे लगता है सबकी जो रियल नेचर है वो घर के अंदर कहीं ना कहीं बाहर निखर के आई है। मतलब आई डोंट थिंक 3-3.5 महीने के शो में कोई भी एवरी डे, आई मीन इमेजिन आप रोज उस घर के अंदर हो, आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, आई डोंट थिंक एक हफ्ते के बाद कोई वो यू नो प्रिटेंड कर सकता है या एक्ट कर सकता है, आपका रियल बिहेवियर बाहर आएगा ही। तो अब जब मैं देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि सेम बिहेवियर घर के अंदर भी था जो घर के बाहर है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड लोगों को भी समझ में आई है चीज़ें। जैसे मेरे बारे में जसलीन जैसे घर के अंदर थी वैसी ही बाहर है, आप मुझसे मिले हो एंड आई एम श्योर आपके थ्रू लोग मुझे जब देख रहे हैं तो वो भी यही सोच रहे हैं, हाँ ये लड़की वैसी ही है जैसे घर के अंदर थी, तो प्रिटेंड आप नहीं कर सकते हो एंड आई एम ग्लैड ऐसा नहीं हुआ, बिग बॉस के घर में ये पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं दीपिका को अब तक कह रहे थे कि फेक है और निकलने के बाद भी ओवर एक्टिंग कर रही है, बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं। पर क्रिटिसिज्म तो आते ही रहता है लाइफ में। इसके अलावा भी हाल ही में ऐसे रूमर्स आए हैं कि सृष्टि और मनीष का ब्रेकअप हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित सुशांत, तो आपको क्या लगता है इस पे? व्हाट यू वांट टू से?
देखिए सृष्टि के साथ मेरी ऑनेस्टली कभी बनी नहीं है और मैंने उनके बारे में जानना इतना ज़रूरी समझा भी नहीं, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड अगर ऐसा हुआ भी है कि उन दोनों का ब्रेकअप भी हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है ये सब बातें, मुझे लगता है कि उनका रोका हुआ था उनके साथ और शादी होने वाली थी, तो मैं हमेशा से खुश थी और मैं चाहती थी कि सृष्टि एंड मनीष की एंगेजमेंट शो पर हो, बिग बॉस के घर में हो। तो इस मैटर पर अगर बात करनी हो तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड मैं नहीं चाहूँगी कि किसी का ऐसा कुछ हो, चाहे मेरी सृष्टि के साथ बने या ना बने। मैं चाहूँगी कि उनकी मनीष के साथ अच्छी बने, बिकॉज दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं एंड बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, लेकिन बहुत दुख होगा मुझे अगर ये सुनकर के, अगर ऐसा ये बात सच अगर है तो। ओके, तो इसके अलावा आप मुझे बताइए अब आप कौन से रियलिटी शो में जाने का लाइक ट्राई करोगे या फिर पसंद है, जैसे डांस शोज हो गए कितने सारे होते हैं, सिंगिंग है ये, तो अभी नेक्स्ट विच रियलिटी शो इफ़ यू गेट अ चांस? सी आते से ही अभी मेरे इवेंट्स जो है वो लाइन अप हो गए हैं, जनवरी में काफ़ी इवेंट्स है जो कर रही हूँ मैं, आई एम गोइंग टू श्रीलंका, मैं दुबई जा रही हूँ, देन रायपुर जा रही हूँ, रायगढ़ जा रही हूँ, तो बहुत सारे इवेंट्स जो है अब मेरे शुरू हो गए हैं जो मेरे सिंगिंग इवेंट्स होते हैं। तो उसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया फिल्म्स के बारे में और म्यूज़िक के बारे में, माई सिंगल, तो ये सब भी प्लानिंग हो रही है। और रियलिटी शो आई वुड लव टू डू अ रियलिटी शो अगेन, बिकॉज क्योंकि मैं अगर रियल हूँ तो फिर रियलिटी शो में जाना तो बनता ही है और लोगों से कनेक्ट कर सकती हूँ बहुत इजीली एंड ऑल्सो कुछ अच्छे सीरियल्स हो तो वो भी करना चाहूँगी, बहुत सारा काम करना है मुझे तो। ओके, तो 2019 यानी आपके लिए काफ़ी धमाकेदार आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं होप कर रही हूँ कि ऐसा ही हो, आपके मुंह में घी शक्कर और 2019 मेरे लिए बहुत ही धमाकेदार हो। ओके, तो अभी नेक्स्ट मंथ सबको पता है वैलेंटाइन आ रहा है, तो क्या कुछ सोचा है आपने, क्या आप जाने वाले हो या अनूप जी को आप मिलने वाले हो, एनीथिंग एनी प्लान हैव यू? मोनिका, मोनिका ओ माय डार्लिंग, ये बहुत शानी है, ये बहुत स्मार्ट है। तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है मुझे पता है, लेकिन वैलेंटाइंस डे के लिए अच्छा एक काम कर सकते हैं मोनिका, एक स्वयंवर रचा दो मेरे लिए पॉप बॉलीवुड। Okay. एक स्वयंवर रखते हैं जिसमें हर लड़का मेरे लिए रोज़ और एक छोटा सा टेडी बेयर लेके आए, ज़्यादा डिमांड्स नहीं है मेरे, मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती हैं, कोई प्यार से मुझे रोज़ दे दे मैं खुश हो जाती हूँ। एक स्वयंवर करते हैं वैलेंटाइंस डे तक और मैं चूज़ कर लूँगी कि इस साल का वैलेंटाइंस डे मैं किसके साथ मनाऊँगी, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। ओके, ठीक है, तो जाने से पहले आप अपने फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो? मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि मुझे पॉप बॉलीवुड बार बार बुलाते हैं और यू नो उन तक ये मैसेज जाता है कि जसलीन से बात करनी चाहिए एंड आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार आप मुझे देते हो, इतने सारे कॉमेंट्स, एंड बिलीव मी मैं हर एक कॉमेंट पढ़ती हूँ आपका और मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। सो लव यू गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड इन्जॉय योर 2019। Thank you so much, Justin, for giving us time. Hope to see you soon again, once again. All the best for 2019. Thank you so much.